अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ आलू की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम रोज़ के नाश्ते में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। तो ये जो आलू के स्लाइस है, ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला काटना है। तो आलू को काट के हम पानी में रखेंगे ताकि ये काले ना पड़ सकें। और इसके अलावा हमें चाहिए 4 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 10 से 12 हम करी पत्ते लेंगे। ज़ीरा लेंगे हम 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर लेंगे हम 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे हम 2 टेबलस्पून। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। तो ये चीज़ें चाहिए हमें आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें ये करी पत्ते डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें ये हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो हरी मिर्च को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो धीमी आंच पर हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है, और 1 से 2 बार हम इसे बीच में चेक भी कर लेंगे। इन आलूओं में हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, इसे हमें 75% तक इसी तरह से लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। तो देखिए, हमने आलूओं को 75% तक धीमी आंच पर पका लिया है। तो अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ये नमक ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और ये आमचूर पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। इन सभी मसालों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी फिर से लीड बंद करेंगे और इसे फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाने के बाद सारे मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। तो अब ये जो आलू है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो हम इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिए को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए, हमारी आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोजाना के नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर आप इसे दाल और प्लेन चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी ये आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।